नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 2 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे सभी व्यूअर्स के लिए खुशखबरी। आज के इस वीडियो में सभी व्यूअर के लिए 30,000 का प्राइज जीतने का सुनहरा अवसर मिलने वाला है। बस इस प्राइज मनी को जीतने के लिए आपको हमारी वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना होगा, क्योंकि कभी भी प्राइज मनी जीतने के लिए जारी किए गए कॉन्टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी साझा कर सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए चले बढ़ते हैं शाम की बड़ी खबरों की ओर। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की रेटिंग की जारी। रेटिंग एजेंसी मूडीज सर्विसेज ने बीते दिन भारत की सर्विस क्रेडिट रेटिंग को जारी किया है, जिसके तहत मूडीज ने बताया है कि पिछले 2 दशक से भी अधिक समय में पहली बार BAA2 से घटाकर BAA3 किया गया है, जिसके तहत एजेंसी ने कहा है कि नीति निर्माताओं के समक्ष आने वाले समय में आर्थिक वृद्धि, बिगड़ती वित्तीय स्थिति, वित्तीय क्षेत्र के दबाव जोखिम को कम करने की चुनौती खड़ी है। कंपनी के अनुमान के अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत की सकल उत्पादक में 4% तक गिरावट आ सकती है। इसके साथ ही कंपनी ने यह भी कहा है कि भारत के मामले में पिछले 4 दशक से अधिक समय में यह पहला मौका है जब पूरे साल के आंकड़ों में जीडीपी में इतना ज्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है, और यही कारण है कि मूडीज ने भारत की सरकारी साख रेटिंग को नीचे गिरा दिया है। एमएसएमई मंत्रालय ने लॉन्च किया चैंपियंस पोर्टल। कोविड-19 के इस माहौल में छोटे उद्योग के माध्यम से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है, जिसके तहत बीते दिन एमएसएमई मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल www.champions.gov.in को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से उद्यमियों को शिकायत को सुलझाने का प्रोत्साहित करने और मदद करने के लिए बनाया गया है। इस पोर्टल के जरिए लोगों की शिकायत का समाधान 7 दिन के अंदर किया जाएगा। खबरों की माने तो इस प्लेटफॉर्म से आईटी सपोर्ट, कॉल सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गवर्नमेंट सिस्टम और डेटा एनालिसिस सिस्टम शामिल है। पोर्टल को सीधे ही नई दिल्ली में स्थित एमएसएमई सचिव अरविंद शर्मा के कार्यालय से जोड़ा गया है। जानकारों की माने तो बंद की अवधि के दौरान सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों के पास समस्या उत्पन्न हो गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने इस पोर्टल को लॉन्च किया, ताकि इसके माध्यम से सभी उद्यमी नई संभावनाओं को खोज सके। लाखों पेंशन भोगियों के लिए ईपीएफओ ने जारी किए 868 करोड़ रुपए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने लाखों पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी जारी की है, जिसके तहत ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन फंड से आंशिक निकासी की सुविधा को बहाल करने के फैसले को लागू करने के बाद 105 करोड़ रुपए के एरियर के साथ 868 करोड़ रुपए की पेंशन जारी कर दी है, जिससे कि 25 सितंबर 2008 या उसके पहले इस विकल्प को चुनाव करने वालों को इसका फायदा मिलने वाला है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पेंशन कम्यूटेशन के अंतर्गत पेंशन में अगले 15 साल तक 1/3 की कटौती की जाती है। 15 साल बाद पेंशन भोगी पूरी राशि को प्राप्त कर सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार अभी से पहले कम्यूटेड पेंशन बहाल करने का कोई प्रावधान नहीं था। सभी पेंशन भोगियों को काफी ज्यादा राहत मिली है। अपनी नौकरी की आखिरी रात इस आईपीएस अधिकारी ने बिताई अपने दफ्तर में। यह वाकया केरल राज्य का है, जहां पर केरल के सबसे सीनियर आईपीएस अधिकारी में से एक जैकब थॉमस ने अपनी नौकरी के आखिरी दिन जमीन पर अपने ही दफ्तर में रात गुजारी है। साल 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर जैकब थॉमस की ऑफिस में फर्श पर सोने की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड भी करने लगी है। उन्होंने खुद इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया था और कैप्शन में लिखा था कि नौकरी के आखिरी दिन की शुरुआत और दफ्तर के कमरे में सोया। फोटो में आप देख सकते हैं कि उनका बिस्तर जमीन पर बिछा हुआ है और उसके पास में ही एक टेबल लगा हुआ है। पोस्ट शेयर होते ही इसे 9,000 से ज्यादा लोगों ने दोबारा से शेयर किया है, वहीं इसकी तारीफ भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब राहुल गांधी करेंगे मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर मन की बात कार्यक्रम का संबोधन करते हैं, जिसके बाद अब राहुल गांधी ने भी मन की बात एक पॉडकास्ट कार्यक्रम को शुरू करने का मन बना लिया है। खबरों के माने तो कांग्रेस नेता ने हाल ही में यह जानकारी दी है कि फिलहाल हम इस योजना पर काम कर रहे हैं, इस पर बातचीत जारी है और कि काम कैसे करना है, और साथ ही इसके लिए हम एक्सपर्ट्स की भी सलाह ले रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि पॉडकास्ट एक ऑडियो मैसेज या डिस्कन है, जिसे डिजिटल रूप में प्रसारित किया जाता है। एक बार अगर सारे सेटअप तैयार हो गए तो उसके बाद राहुल गांधी अपने नए कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का जवाब देंगे। इतना ही नहीं, कुछ महीने पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया था। इस यूट्यूब चैनल को देश में लोगों ने काफी ज्यादा कम समय में ही बढ़ावा दिया था, जहां पर अब तक राहुल गांधी को 2,94,000 सब्सक्राइबर हो गए। अगले 12 से 24 घंटे में निरसग तूफान देखने की बड़ी संभावना, जिसकी जानकारी भारतीय मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 12 से 24 घंटे में महाराष्ट्र तट की ओर निरसग तूफान बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और 3 जून को मुंबई के करीब इसके टकराने की संभावना है। यानी कि अगले 12 से 24 घंटे में आंधी तूफान आने की संभावना बढ़ गई है। इसके लिए भारतीय मौसम विभाग ने अरब सागर में बन रहे दबाव के क्षेत्र को लेकर भी सभी लोगों को सतर्क कर दिया है। मौसम विभाग ने बताया कि यह तूफान अगले 12 घंटे में तूफानी चक्रवात और उसके अगले 12 घंटे में काफी ज्यादा चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया के महानिदेशक SN प्रधान ने बताया है कि गंभीर चक्रवात के मद्देनजर महाराष्ट्र में राहत और बचाव कार्य के लिए NDRF की टीम तैनात कर दी गई है, जिसके बाद महाराष्ट्र के तटवर्ती जिले सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ठाणे, रायगढ़ और पालघर सबसे ज्यादा प्रभावित होने की संभावना जताई गई है। भारी बारिश के कारण इन इलाकों में पानी भरने की संभावना, वहीं तेज हवा के कारण पेड़, टेलीफोन लाइन, बिजली के खंभों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है। 30,000 का प्राइज जीतने का बहुत ही सुनहरा मौका। गवर्न आई ऐप आपको एक मौका दे रहा है, जहां पर आप अपनी प्रतिभा के दम पर जीत सकते हैं 30,000 रुपए का इनाम। इसके लिए
आपको गवर्न आई ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा, जो कि गूगल प्ले और एप्पल स्टोर पर उपलब्ध है। वहां एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाएगा, जिसका विषय है रोजमर्रा की जिंदगी में COVID-19 के संक्रमण से कैसे बचा जा सकता है। इस विषय पर आपको 500 शब्दों में एक लेख लिखना है। यह लेख आप हिंदी या अंग्रेजी किसी भी माध्यम से लिख सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने लेख को #covidsafetyideas जरूर लगाएं। इस ऐप की सबसे खासियत यही है कि यह भारत में निर्मित ऐप है और यहां पर किसी तरह से कोई भी ट्रोलिंग की सुविधा नहीं है। इसके साथ ही यहां पर कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और ना ही आपको अपने व्यक्तिगत जानकारी देने की जरूरत है, जैसे ईमेल और मोबाइल नंबर। यह ऐप एंड्रॉइड फोन और आईफोन में उपलब्ध है। इस ऐप में देश के हर क्षेत्र के 200 सांसद और विधायक जुड़े हैं, जो अपनी बात इस ऐप के माध्यम से शेयर करते हैं। इस प्रतियोगिता के विजेता को 10,000 के 3 प्राइज दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता की आखिरी तारीख 15 जून है और जुलाई 15 को रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। याद रहे, नियम और शर्त यही है कि लेख हिंदी और अंग्रेजी में 500 शब्दों में लिखा होना चाहिए और #covidsafetyideas आपको अपने लेख के साथ जरूर लगाना है। PSC अपने खरीदारों में घरेलू कंपनियों को तवज्जो देने का बना रहा है मन। देश की सार्वजनिक कंपनी अपनी खरीदारी में घरेलू कंपनियों को तवज्जो देने का मन बना रही है, जिसके तहत सभी सार्वजनिक कंपनियों ने जल्द उन सभी उत्पादों की सूची जारी करने का ऐलान जारी किया है, जिसकी खरीदारी वो सिर्फ घरेलू कंपनियों से करने वाले हैं, जिससे कि मेक इन इंडिया और खासकर घरेलू MSME को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक कंपनियों की तरफ से यह कदम उठाया जा रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहत पैकेज की घोषणा के दौरान स्वदेशी सामानों की खरीदारी पर ज्यादा जोर दिया था, जिसके तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी कहा था कि 200 करोड़ तक की खरीदारी के टेंडर में विदेशी कंपनी भाग नहीं ले पाएंगे। वहीं इस मुद्दे पर मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिकी संगठन के कार्यक्रम में पेट्रोलियम सचिव ने कहा कि मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए खरीदारी घरेलू इसका लाभ मिल सकता है। अमेरिका द्वारा WHO से सभी नाता को तोड़ने के दावे के बाद WHO ने दिया जवाब। COVID-19 अभी पूरी दुनिया में परेशानी का सबब बना हुआ है और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका है, क्योंकि वहां पर अभी भी लगातार मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। साथ ही इसके रोकथाम के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने COVID-19 के बढ़ते असर के लिए WHO और चीन को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि चीन के प्रयोगशाला में उत्पन्न COVID-19 अगर आज पूरी दुनिया में इतने बड़े पैमाने पर फैला है तो उसका कारण WHO द्वारा दी गई जानकारी है। हालांकि WHO बार बार इस बात को कहता आया है कि उसने समय समय पर सभी देशों को COVID-19 की जानकारी साझा की थी। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका ने किसी भी तरह का वास्ता नहीं रखने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक टेड्रोस ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि अमेरिका के साथ सहयोग जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया को अमेरिका के लोगों की सरकार के साथ मजबूत सहयोग पूर्णता से बहुत फायदा मिला है। वहीं उम्मीद जताई जाती है कि अब आगे अमेरिका के साथ सहयोग आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा। कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार से मांगा जवाब। COVID-19 बड़ी तेजी से भारत में अपने पैर पसार रहा है। हर 8,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच राजनीति भी जोर शोर से देखने को मिल रही है। बीते दिन कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि 6 साल का परिवर्तन आज मोदी सरकार का डाउनग्रेड है। सरकार के मुद्दे विवाद से जुड़े हैं, लव जिहाद, घर वापसी, सर्जिकल स्ट्राइक, ट्रिपल तलाक, 370 पर देश के मुद्दे, हेल्थ, शिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, मिडिल क्लास, आर्थिक मंदी, कहाँ है मोदी जी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का एक और साल पूरा हो गया है, जिसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से इस पर जश्न मनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार प्रचार प्रसार हो रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए कपिल सिब्बल ने सरकार से सवाल पूछे हैं, जिसके तहत उन्होंने सरकार पर वास्तविक मुद्दों को दरकिनार कर राजनीतिक मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देने की बात कही है। भारत के भावुक जैन ने एप्पल में ढूंढा बड़ा बग। एप्पल के आईफोन में बहुत मुश्किल से किसी तरह का बग ढूंढा जा सकता है, लेकिन एक भारतीय डेवलपर ने एप्पल के आईफोन में साइन इन करते वक्त एक ऐसा बग ढूंढ निकाला है, जिसके बाद कंपनी ने उसको $1,00,000 यानी ₹75,00,000 इनाम देने का ऐलान जारी किया है। 27 वर्षीय डेवलपर का नाम भावुक जैन है। भावुक ने साइन इन विद एप्पल प्रक्रिया में साइन इन बग ढूंढ निकाला था, जिसके जरिए हैकर साइन इन करने वाले ऐप से यूजर्स का अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। कंपनी ने इस बात को स्वीकारा है और कहा है कि जांच के बाद इसे ठीक कर दिया गया है। हालांकि कंपनी ने यह भी कहा है कि इसका फायदा अभी तक नहीं उठाया गया है। पिछले साल 2019 में थर्ड पार्टी और वेबसाइट में आसानी से लॉगिन के लिए साइन इन विद एप्पल की घोषणा की गई, इसीलिए भारतीय मूल के निवासी ने बग को ढूंढ निकाला है। ऑनलाइन 1.0 में IPL के आयोजन पर सौरभ गांगुली के सामने आई एक और परेशानी। COVID-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण पूरी दुनिया थमसी गई है। इसी क्रम में क्रिकेट जगत के सभी खिलाड़ी भी घरों पर रहने पर मजबूर हो गए हैं। वहीं COVID-19 की वजह से IPL समेत कई मैचों को कुछ समय के लिए स्थगित भी कर दिया गया था, जिसके बाद अब अनलॉक 1 जारी होने से IPL के आयोजन की संभावना जताई गई है, जिस पर BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा है कि इस साल IPL होता भी है तो जगह को लेकर संदेह की स्थिति बरकरार है। उन्होंने आगे कहा कि इस समय IPL के 13वें सीजन को लेकर कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी, क्योंकि बोर्ड को आधिकारिक तौर पर इसकी चर्चा करनी होगी। अगर IPL का आयोजन होता है तो हमें देखना होगा कि इसे कहां कराया जा सकता है, क्योंकि यह भी खिलाड़ियों की सुरक्षा का सवाल है। फिलहाल हमें स्थिति में नहीं है कि कुछ भी बोल सके। अभी लोगों की जान बचाना और COVID-19 की चेन को तोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार इस माहौल में IPL का आयोजन कराना सही रहेगा या
या नहीं, कृपया अपनी राय हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।